बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना आमिर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा। तो इसके लिए यहाँ पे हमने घी को घी लिया हुआ है, घी गर्म पे रखा हुआ है। तकरीबन 1/4 कप हमने यहाँ पे घी लिया है। घी गर्म हो गया है। यहाँ पे हमारे पास है लौकी, 1/2 kg हमने लौकी ली थी, इसको हमने ग्रेट करके रखा हुआ है। ये इसमें ऐड कर देते हैं। लौकी हमने इस तरह ग्रेट की है कि 1/2 कट करके इसको आसपास से हमने ग्रेट कर लिया, और जो इसका ये इस तरह का ये पार्ट होता है बीच में, ये आप देख सकते हैं बीज वाला हिस्सा, ये हमने इसको नहीं ग्रेट किया और इसको अलग रख दिया है। आसपास से हमने लौकी ले रही थी। इसको अब इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हमें कुक करना है ताकि लौकी का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अपना पानी रिलीज करे। लौकी का पानी ये देखिए आप ड्राई होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। फ्लेम हमने लो ही रखा हुआ है यहाँ पर। कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप लौकी का हलवा बनाएं तो उसी वक्त इसको ग्रेट करें, वरना आप थोड़ी देर भी रखेंगे तो वो उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और डार्क कलर हो जाएगा। यहाँ पर लौकी का पानी अच्छे से ड्राई हो गया। अब इसमें चीनी ऐड कर देते हैं, तकरीबन 5 टेबल स्पून या हसब ज़रूरत। दूध डालेंगे इसमें 1 कप। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। इलायची पाउडर डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इसे कवर कर देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि लौकी अच्छे से गल जाए। तकरीबन 10 मिनट हो गए। ये देखें यहाँ पे लौकी का पानी और जो हमने दूध डाला था सब ड्राई होना अच्छे से यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अच्छा, कलर इसका बहुत डल लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर देते हैं, ग्रीन फूड कलर। 2 से 3 ड्रॉप्स आप ऐड कर दें, थोड़ा सा डाल के चेक करिएगा ताकि कलर ज़रा अच्छा सा आए इसमें। तो देखें हल्का सा हमने ग्रीन कलर ऐड कर दिया इसमें। हलवे का अच्छा ग्रीन कलर आ गया। अब इसमें पिसा हुआ खोपरा डालेंगे 2 टीस्पून, अर्के गुलाब डालेंगे 1 टीस्पून, और इसकी अब भुनाई कर देते हैं ताकि घी जो है वो अलग हो जाए इसमें से और ये अच्छे से भुन जाए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। ये देखें मीडियम फ्लेम पर अब इसकी भुनाई कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखें घी अलग यहाँ पर सेपरेट हो गया है और ये बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें खोया ऐड कर देते हैं, तकरीबन 1/2 कप। और इसे मिक्स कर देंगे। इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा ये, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम हमने इस वक्त लो किया हुआ है। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कवर करके कुक करेंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। यहाँ पर हमने लौकी के हलवे को डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का लौकी का हलवा बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।